आप कोशिश कीजिए बोल बोल कर पढ़ें, जहाँ कहीं भी है। वो अलग है कि घर पे बोल कर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और गांव का घर ऐसा नहीं होता है कि आपका सेपरेट कोई रूम रहेगा। खेत वोत में जाके बैठ के पढ़ाई करो, अब तो नेट हर जगह पहुंच गया। लेकिन कुछ भी करिए, वो लोग पागले कहे आपको, लेकिन आपको क्या करना है, बोल के पढ़ना है। इससे क्या है ना कि आपका पूरी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। जब भी जीभ से कोई आवाज निकलती है ना, तो पूरा ब्रेन उस पर ध्यान देता है, कौन सी बोल रहे हैं ये, समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया। पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना जो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन एक बार अगर टाइम ले लिया ना तो बहुत आगे तक ले जाता है। धनुष को जितना पीछे खींचेंगे ना उतने आगे जाएगा, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। आपके घर वाले भी बड़ा जल्दी उब जाते हो, लेकिन आप लोग पढ़ाई भी करते रहिएगा। लोग आप दूसरे को देखकर ना कॉपी करने लगते हैं कि वो लड़का 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, हम क्यों नहीं उठ रहे पढ़ रहे हैं। तो दूसरे का कभी नकल मत कीजिएगा। अगर हाथी जो है कंगारू को देख के छलांग मारने के लिए सोचेगी तो पैर हाथ तोड़ लेगी। घोड़ा दौड़ने के लिए बना है, उसकी कैपेसिटी उसी में है। वो बंदर को देख कर सोचेगा पेड़ पर चढ़ जाए तो नहीं चढ़ सकता है। सबकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है, सब अलग अलग होते हैं। कॉपी मत कीजिएगा कि वो आगे निकल गया। कोई किसी अपने बारे में बताता है कि हम ऐसे पढ़ते, तो भाई सबकी अलग अलग होती है। हम आज भी दोपहर में 12 बजे सो के उठते हैं, इसलिए कोई भी वीडियो मेरा नहीं देखेंगे, शाम तक पहुंचेगा, रात के पहुंचेगा। तो क्या हमको 12 बजे सो के उठते हैं तो इसका मतलब हमारा, हमको कहीं क्या नहीं रहना चाहिए, एकदम पीछे चले जाना चाहिए, मतलब मैं एकदम पीछे है। तो जिस वक्त आप कंफर्टेबल है उस वक्त पढ़िए, नींद को कंप्लीट लीजिएगा पढ़ाई के वक्त में, 7-8 घंटे दबा के सोइए। ऐसा नहीं है कि भोरे भोरे 4 बजे उठ गया, दिन भर भंगा रहे हैं भाई, जब 4 घंटा बचाने के लिए पूरा 24 घंटा खराब कर दिए। जब तक नींद नहीं अच्छी लेंगे आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं।